दिवाली के समय अपने घर आए मेहमानों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट से सरप्राइज कर दीजिए। आज हम देखेंगे 5 शॉट्स की रेसिपी, 5 शॉट्स, लेकिन इसके लिए हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया है और बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाया है। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी 5 शॉट्स। इसे बनाने के लिए हमने लिया है पान की पत्ती, 20 पान की पत्ती लेंगे, लेकिन पान की पत्ती हम कम तीखा वाला लेंगे, जो थोड़ा माइल्ड टेस्ट का हो। तो मीठा पत्ती जो पान होता है वो अच्छा होता है, तो कोई भी माइल्ड वैरायटी का आप पान की पत्ती लीजिए। और हम पान की पत्तियाँ थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम कलर यूज़ नहीं करेंगे, पत्तियों से ही 5 शॉट्स में बहुत अच्छा कलर आएगा। पान की पत्तियों का हम डंठल निकाल देंगे और इन्हें हम हाथों से थोड़ा तोड़ भी लेंगे। साथ ही यहाँ हमने लिया है पुदीना की पत्ती, 3/4 कप पुदीना की पत्ती है। इसमें भी हमें डंठल नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ती हमें तोड़ लेनी है। और पान की पत्ती और पुदीना की पत्ती दोनों को ही हमने बहुत अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब एक मिक्सी में हम दोनों पत्तियों को डाल देते हैं, पान की पत्तियाँ जिसे हमने थोड़ा तोड़ लिया है और पुदीना की पत्ती। और इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच सौंफ, ये कच्ची सौंफ नहीं है, ये भुनी हुई सौंफ है। और साथ ही ये नारियल का चूरा है, ये घर में बनाया हुआ नारियल का चूरा है। अगर आप जानना चाहें कि ये नारियल का चूरा कैसे बनाना है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर दे रही हूँ। तो हमने 3 टेबलस्पून नारियल का चूरा लिया है और 1 टेबलस्पून हमने शक्कर डाला है और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर है। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। एक बार पीसने के बाद अब इसमें हम 2 टेबलस्पून आइस कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। वैसे आप नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ वाला पानी ऐड करने से कलर अच्छा रहेगा। और उसके बाद इसे हम एक बार और अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए एकदम काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून गुलकंद। और गुलकंद डालने के बाद इसे हम एक बार और अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। तो ये जो है ना 5 शॉट्स का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे अब हमें एयरटाइट कंटेनर में रख कर डीप फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल फ्रिज में रखें तो भी आप इसे 3-4 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख रही हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊँगी कि ये काफ़ी दिनों बाद तक भी डीप फ्रीज़र में कैसा था। तो स्टोर तो हमने कर लिया, लेकिन अभी आपको मैं 5 शॉट्स भी बना के दिखा रही हूँ। तो ये जो हमने पेस्ट तैयार किया, इससे हम 3 टेबलस्पून पेस्ट डालेंगे एक मिक्सी के कंटेनर में और 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। और साथ ही हम इस पर डालेंगे वनीला आइसक्रीम, 200 ml के आसपास हम डालेंगे वनीला आइसक्रीम। आप वनीला आइसक्रीम ना यूज़ करना चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्हिप्ड क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इस पर डाल रहे हैं 3/4 कप दूध। और इन सबको हम मिक्सी में बहुत अच्छे से एक बार और घुमा लेंगे। और वैसे तो इसे हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कुछ भी फाइबरस सा मटेरियल हमारे ड्रिंक में ना हो तो आप इसे एक बार छान भी सकते हैं। और अच्छे से छानने के बाद ये देखिए ये रेसिड्यू है। नॉर्मली सौंफ और इलायची वगैरह का ही थोड़ा सा फाइब्रस मटेरियल इस पर रेसिड्यू रह जाता है। और इसे हमें बहुत छोटे छोटे से किसी भी ग्लास में या इस टाइप का कुछ कंटेनर में सर्व करना है। मैं इस टाइप का एक छोटा सा कप जैसा है इसे ले रही हूँ। आपके पास अगर शॉर्ट्स वाला ग्लास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम ग्लास में भर लेते हैं और इसके ऊपर इसे हम गार्निश करेंगे कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से, कुछ बादाम और पिस्ते की कतरनों से। और इसे हमेशा बहुत ही ठंडा चिल्ड सर्व करना है। 5 शॉट्स दिखने में जितना अट्रैक्टिव है पीने में उतना ही स्वादिष्ट है। और पान हमारे डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, और साथ में हमने इस पर सारी इन्ग्रीडियंट्स बहुत ही हेल्दी यूज़ की हैं। तो है ना बहुत बढ़िया सी रेसिपी।
आजकल कई होटलों में डिनर के बाद 5 शॉट सर्व किया जाता है, तो आप भी अपने मेहमानों को 5 शॉट सर्व करके सरप्राइज कर दीजिए। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपके लिए इसी तरह की और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊं। और आप प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा चैनल बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट कर ले। और ऊपर फोटोग्राफ में 5 शॉट्स का पेस्ट ये 1 महीने से स्टोर किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। और दिवाली के लिए अगर कुछ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहें, तो यहाँ जो स्क्रीन पर जो भी वीडियो लिंक दिया हुआ है, इसमें जो आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए।